Alright, so as you have already read the title of this video, thumbnail of this video, तो आपने पढ़ ही लिया है कि कैसी बातें या फिर कौन सी ऐसी बातें जो हमें शादी करने से पहले जाननी चाहिए. तो आपको बता दें ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, वुमेन्स के लिए है. बॉयज के लिए भी हो सकता है बट इसका वाइस वर्सा थोड़ा कम है. जो गर्ल्स के केस में है वो मेजोरिटी काफ़ी है. तो लेट्स स्टार्ट इट इंट्रो. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Okay, तो मैरिज करने से पहले वुमेन्स को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए. ध्यान ये है कि आप पहले पता कर लें कि जो आपका मंगेतर है, जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो पहले मैरिड तो नहीं है. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो कॉमन बात है, कोई मैरिड पहले पता ही कर लेगा. तो आपको बता दें कभी कभी क्या होता है कि जो पुरानी शादी होती है वो छुपाई जाती है. वो छुपा लेते हैं, वो बताते नहीं हैं कि इसकी पहली पत्नी है. और वो पत्नी जीवित होती है और कहीं कहीं पर भी होती है. गॉट इट? तो ऐसे में क्या होता है, कुछ वुमेन्स मैरिज हो जाती है और बाद में पता चलता है कि ये पहले से ही मैरिड है. तो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले तो जो आपकी मैरिज है वो लीगली नहीं मानी जाएगी, यानी कि आपकी जो मैरिज है वो इलीगल है. जब आपकी जो मैरिज है वो इलीगल है तो आपको कोई भी राइट्स नहीं मिलते, यानी कि आपको ससुराल में रहने के राइट्स नहीं मिलते, आप मेंटेनेंस नहीं ले सकते, आप प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं ले सकते, आप सेक्शन 125 और CRPC के तहत मेंटेनेंस भी नहीं ले सकते. आपको हार थक के 400BC का KC फाइल करना पड़ेगा, लेकिन आप एज ए वाइफ अपने राइट्स नहीं ले सकते बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी मैरिड. तो इस बात का ध्यान रखें. कॉमन है बट होता है, यस कॉमन थिंग है बट होता है. तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप आसपास के जहाँ पे आपका मंगेतर है और जहाँ उसका एरिया है, वहाँ के कुछ पुलिस स्टेशन से आप थोड़ा बहुत इंक्वायरी कर सकते हैं कि इस पर्सन का कोई ऐसा नेम वेम तो नहीं है. और यू आर गेटिंग माई पॉइंट. गॉट इट? ये तो हो गई बात सिविल की. सिविल यानी कि मैरिड है और एनीथिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज़ क्रिमिनल. इस चीज़ के लिए भी आप देख सकते हो कि वो पहले कहीं कन्विक्शन तो नहीं है, कहीं वो जेल में तो नहीं गया, कहीं वो उस पर केस तो नहीं चल रही, कहीं उस पर कुछ ऐसी धारा, कुछ करेक्टर खराब तो नहीं है. तो ऐसी चीज़ भी आप देख सकते हो. इसके लिए भी आप थाने में या फिर आसपास के थाने में इंक्वायरी करवा सकते हो. सो दीज वर द पॉइंट. कॉमन है बट हेल्पफुल है. गॉट इट? हो जाता है. अब ये नहीं है कि सबके साथ नहीं होता तो किसी के साथ भी नहीं होता, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ एंड यू विल बी follow these points before going to be married. So bye.